ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे योर ड्राइंग टॉपिक इज एक्सप्रेशंस ड्राइंग। आपका आज का जो टॉपिक है एक्सप्रेशन ड्राइंग्स है। आपकी बुक में देर इज़ अ सिक्स एक्सप्रेशंस ऑफ फेस और मैं आपको ड्रॉ करवाऊंगी एनी फोर, ठीक है? तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल फॉर अ फेस ड्राइंग। Like this, okay? सबसे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है फॉर फेस ड्रॉइंग। ओके, देन आपको एक, मैं अभी आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ बेटा। You have to draw a center line like this. Okay. Now, अब आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस एंड वन मोर हेयर लाइक दिस, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपका फेस एक्सप्रेशन है दैट इज योर हैप्पी एक्सप्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉइंग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले फेस कट बनाना है, यानी ऐसे। ऐसे एक ड्राइंग बनानी है। इसके बाद यहाँ से आपको इसे कर्व और यहाँ से आपको ये जो लाइन दिख रही है ना बेटा, यहाँ से इसके हेयर की लाइंस लाइक दिस zigzag। और देन यहाँ तक। इसके बाद आपको यहाँ ईयर्स ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ सी ड्रॉइंग लाइक दिस। ओके, नाउ आपको सी के ड्रॉइंग से, ईयर की ड्रॉइंग के ऊपर से आपको इसकी हेयर की लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइक दिस, ठीक है? उसके बाद आपको एक्स्ट्रा लाइन्स जो है वो एक बार इरेज कर देनी है, बहुत लाइट इरेज करनी है। और आपको फेस की शेप सही से देनी है। आपको ऐसे फेस की शेप देनी है। ओके, उसके बाद जो ये आपको ये वाली लाइन आपने ड्रॉ करी थी बेटा, इस लाइन की हेल्प से आपको आईब्रोज ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आईज के लिए टू सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, देन नोज एंड देन माउथ। तो आपको ये हमें फेस स्माइली दिखाना हैप्पी लाइक दिस और इसके नीचे से। तो आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है डेट इज योर हैप्पी एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन। उसके लिए भी आपको सेम वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बेटा। Draw oval shape or circle like this. उसके बाद लाइन, उसके बाद एक सेंटर लाइन, ऊपर एक और लाइन और एक नीचे लाइन, ठीक है? अब ये यहाँ पे हम बना रहे हैं कन्फ्यूज्ड और दिस इज अ गर्ल फेस एंड दिस इज अ बॉय फेस। तो ये है गर्ल फेस। अब इसके लिए सेम आपको यहाँ से, ये आपका आई का है तो इसे थोड़ा और नीचे कर देंगे हम। तो यहाँ सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं हेयर्स की लाइन।
लाइक दिस, फिर वही सेम ईयर्स ईयर्स, और फिर यहाँ से भी ईयर्स, और ये बिल्कुल आपको ऐसे। तो हम एक बार इरेज कर रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से फाइनल कर सको। ठीक है, उसके बाद ऊपर हेयर्स के लिए लाइन, ठीक है। अब कंफ्यूज आपका एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे आईब्रोज, गर्ल की आईब्रोज और आईज, ये टू सर्कल्स एंड देन नोज एंड एक्सप्रेशन के लिए आपको इसको ऐसे, दिस इज योर कंफ्यूज्ड एंड देन नेक लाइन लाइक दिस एंड दिस इज योर कंफ्यूज्ड expressions, okay. Now next is upset. तो आप upset के sorry अब आप बनाएंगे ये next expression is boy expression like this. तो आपको draw करना है same circle और circle के बाद बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद बेटा सेम वही। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ड्रॉ करने ईयर्स लाइक दिस दोनों साइड, फिर ईयर्स के साइड से ही आपको ड्रॉ करनी है लाइंस हेयर की लाइक दिस, और इसके वहाँ इसके ऊपर से ड्रॉ करेंगे आप। ये नेक लाइन और ये आपका यहाँ पे आपकी आईज के लिए आईब्रोज सेम। अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस चेंज हो रहा है बेटा, तो इस एक्सप्रेशंस के लिए जो आईज है वो आपको बस एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस नोज, एंड अब आपको माउथ ओपन शो करना है लाइक दिस, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशंस है डिफर एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट डिफर एक्सप्रेशन इज अपसेट एक्सप्रेशन, उसके लिए भी आपको सेम वही करना है सर्कल पहले बेसिक बेस लाइन देन लाइन और देन सेंटर लाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसकी ईयर्स नहीं दिखेंगी बेटा, यहाँ पे सीधा यहाँ से स्टार्ट होती है हेयर की लाइन ही गर्ल, ये गर्ल का फेस है तो गर्ल की जो ये हेयर्स हैं ये इसके हेयर्स से इनके इसके ईयर्स हाइड हो रहे हैं, तो आपको भी हाइड करने हैं बट एक साइड से दिख रहा है थोड़ा सा, तो आपको एक साइड से ईयर ड्रॉ करना है लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा अंदर की साइड फिर बाहर, और यहाँ पे इसकी टू पोनीटेल्स यहाँ पे आपको इसकी टू पोनीटेल्स ड्रॉ करनी है लाइक दिस। अब आपने जो ये लाइन डाली है ना बेटा इसके बिल्कुल नीचे से ही आपको थोड़ा वी शेप में, तो हम एक्स्ट्रा लाइंस इरेज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए
ये जो फेस स्ट्रक्चर है थोड़ा वी शेप में है, ठीक है? तो आपने इसको थोड़ा सा वी शेप देना है, फिर नीचे से इसका नेक, और यहाँ इसके आईब्रोज थोड़े से ऊपर की साइड, और वही आईज एंड नोज। अब यहाँ पे हमें अपसेट कुछ बनाना है, तो आपको ऐसे एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ये आपका है अपसेट एक्सप्रेशन। तो देर आर फोर डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ योर ड्राइंग इज कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्केचिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ ब्लैक आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ ब्लैक स्केच पेन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ब्लैक स्केच पेन आउटलाइन लाइक दिस। यू हैव टू ड्रॉ आउटलाइन वेरी केयरफुली। यू हैव टू कंप्लीट योर आउटलाइनिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लैक स्केच पेन। ओके, तो ये आपके एक्सप्रेशंस की ड्राइंग हो गई रेडी। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज एक्स्ट्रा ऑल लाइंस। यू हैव टू इरेज एक्स्ट्रा ऑल लाइंस लाइक दिस। ओके, तो दिस इज योर फोर डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो योर ड्रॉइंग इज कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कलरिंग। नाउ हेयर आई एम यूजिंग ऑयल पेस्टल कलर। यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ कलर विच यू हैव। सो फर्स्ट कलर इज यू हैव टू पिक अ स्किन कलर फॉर फेस लाइक दिस, एंड यू टू फिल स्किन कलर इन फेस। बेटा यू हैव टू फिल अ स्किन कलर
फॉर फेस लाइक दिस एंड यू हैव टू फिल दिस कलर इन ऑल फॉर फेस एक्सप्रेशंस लाइक दिस. यू हैव टू फिल हेयर ऑल्सो. Like this. You have to fill in neck also. Okay, you have to fill here also. Like this. Okay, when you fill, then you have to pick a orange color for some shading in face like this from only one side. Little bit you have to shade it. Only one side like this. You have to merge this shading. So it can't be a single shade there. Okay, and now you have to pick again skin color and you have to merge it. आपको थोड़ा सा ऐसे मर्ज करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर से चला के थोड़ा सा एक बार दोबारे से इस पर फिल करेंगे आप. जहाँ पे आपने ऑरेंज फिल किया है फिर ऑरेंज के ऊपर से ही आपको एक बार और स्किन कलर फिल करना है. तो ये थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा बेटा लाइक दिस. अब आपको दिख रहा होगा मर्जिंग. तो ये आपका कट आउट नहीं लगेगा. ठीक है. नाउ Now you have to pick a brown color for hair. And fill brown color. You can use black color also for hair like this. If you want to do brown color in hair, you can do it. If you want to do black color, you can do it. You can do it any type of brown or black color. But only you have to use black or brown. You can pick brown or black. If you want to do black, you can do it. Okay.
सो आई एम चेंजिंग सम कलर, आई एम चेंजिंग हेयर अ ब्लैक ब्राउन कलर फॉर हेयर. तो आई एम यूजिंग अ ब्राउन कलर फॉर हेयर हेयर. And then black color here. So your drawing topic of expression drawing is complete now. You can finalize your drawing lines with the help of black sketch pen like this. If there is a need of this, okay. You need, if there is a need, you can do. Okay. So your expressions drawing is complete.